खंड क्षेत्र में आस्था का पर्व महाछठ को लेकर व्रती अभी से ही सामानों को जुटाने में लग गए हैं, जिसमें सूप का एक अलग ही महत्व माना जाता है, जिसको लेकर मल्लिक मोहल्ले में व्रती सूप लेने को लेकर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में महंगाई की मार के बीच सूप का भी दाम आसमान छूता दिख रहा है। जो सूप वर्षों पहले 30 से 50 रुपए के बीच में मिल जाती थी, वो सूप अभी 70 से 100 रुपए के बीच में बेचा जा रहा है। सूप बनाने वाले मलिकों ने बताया कि जो बांस 100 से 150 रुपए में मिलता था, वह बांस का कीमत 250 से 350 के बीच हो गया है, जिससे सूप का कीमत में बढ़ोतरी की गई है। वहीं सूप का बाजार में कमी खल रहा है, लोग घंटों इंतजार कर सूप खरीद रहे हैं। वहीं सूप बनाने वाले मलिकों ने बताया कि एक परिवार मिलकर दिन भर में 20 सूप बना पाते हैं, जिसमें ही हम लोगों को भरण पोषण करना पड़ता है। सरकार के तरफ से हम लोगों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता है। वहीं सूप का कमी देखते हुए जैसे जैसे छठ पर्व नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे सूप का भी दाम बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। मौके पर राजू मलिक, गंदोरी मलिक, सखी चरण मलिक, राकेश मलिक, प्रीति देवी, उर्मिला देवी, नाथो देवी आदि मलिक समुदाय के लोग सूप बनाने में व्यस्त थे। बीएनपी न्यूज के लिए भगवानपुर से संवाददाता बम कुमार की रिपोर्ट। कार्तिक पर्व को लेकर जो आप लोग ये सूप का जो तैयार कर रहे हैं, कितना मतलब बिक्री है और क्या रेट में बिक्री हो चल रहा है अभी? देखिए सर, अभी सूप का बिक्री जो है 70 रुपया करके एक पीस सूप 70 रुपया में बिक्री होता है। अभी फिलहाल हम लोग 5000 से ज़्यादा सूप सेलिंग कर चुके हैं। एक दिन में एक आदमी लगभग कितना सूप बना लेते हैं? एक दिन में लगभग एक आदमी लगभग 20 सूप बना लेता है। सब कुछ रहते हुए पर मतलब 20 सूप बनाते हैं। भरण पोषण आप लोगों का कैसे चलता है? इसमें सर हम लोग का भरण पोषण बहुत कठिनाई से चलता है। जो लोग हम इतना सब परिवार मिलकर काम करते हैं, उसमें जो है पूरे बाल बच्चा हम लगे रहते, सारे परिवार जो है इसमें लगते हैं, तब एक दिन में 20 सूप होता है। जिस हिसाब से आप सूप बनाते उस हिसाब से क्या लगता है, रुपए नहीं मिल पाता है क्या? जी नहीं, उसमें तो हम लोग का उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक बांस का कीमत लगभग 200 रुपया है। उससे हम लोग मजदूरी भी करते हैं तो हम लोग को नहीं पुर पाता है। क्या लगता है पर नज़दीक जैसे जैसे आएगा दाम भी बढ़ेगा क्या? जी हाँ, वो तो मान लीजिए जो हम लोग को दाम तो बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हम लोग को जो है भरण पोषण नहीं होगा। सूप का क्या लगता है, स्कार्सिटी भी चल रहा है? हाँ, सूप को तो अभी स्कार्सिटी चल रहा है। आप लोग खुद से इसका सूप बनाते हैं या कहीं से ले के भी आते हैं? नहीं, हम लोग अपना खुद बनाते हैं। नाम क्या हुआ आपका? राजू मल्लिक। बनबै छो? सूप हम बना रहे हैं 10 साल के उम्र हमर रहे तखने से, 10 साल के उम्र रहे तखने से हम कर रही है। अखने हाँ कुछ नहीं कर पैलिए, अभी तक 62-63 वर्ष उम्र हो चुके हैं। क्या रुपया के सूप बिक्री शुरुआत कर लो? 4 आना 14 1 14 शुरू करिए। अभी की रेट छे? अभी सूप की कीमत अभी 70 रुपया। भरण पोषण भए जाए छे? भरण पोषण भए जाए छे? बहुत कठिनाई से जे कि दिन रात सब पूरे बाल बच्चा लगल रहै छी। ओहो तनी मनी माल जाल नहीं रखबै तो नहीं होते, सुअर नहीं रखबै नहीं होते, पुराइए नहीं होइ छी। सरकार की तरफ से तोरा आर कुछ लाभ मिले छे कभी? कोई लाभ नहीं हमरा सरकार तरफ से मिल रहले हन, अपना मजदूरी से केनाहो बाल बच्चा के हम पोस रहलिए। सरकार तरफ से कोई ला, लेकिन कुछ तनी वो जमीन नहीं बनवा पैलिए, न तनी वो घर मकान बनवा पाबै छिए। वहाँ काल कुन दे दो पैसा से बेच रहलिए हैं, 4 आना से बेच रहलिए हैं, 4 आना से में सूप हम दिए रहलिए हैं, पूर्ति नहीं पाए रहलिए हैं, कुछ बनाए नहीं रहलिए हैं, कुछ उन्नति नहीं हुई है, तो यह हम केना कोनो तकलीफ तकलीफ से बाल बच्चा के पोस रहलिए हैं। सरकार तरफ से हमरा कोई लोभ नहीं छे, तो इनकम नहीं मिल रहले हैं, केना जीवे? क्या अखना तो 60-50 छे। बांस के दाम की होले? बांस के 300, 350, 200 केना पूर्ति पेबे, 10 परिवार लागे छे। अभी तक कुछ लाभ नहीं, कुछ लाभ नहीं।